उस कर्म में पांच प्रकार के दोष हैं। उसी पक्ष में लोग झूठ बोलते हैं, उसी पक्ष में लोग चोरी करते हैं, उसी उपलब्धि के पक्ष में लोग हिंसा करते हैं। सारे नैतिक अनैतिक कर्म उपलब्धि के पक्ष में हुआ करते हैं, इसलिए हमारे मनीषी कहते हैं कि कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। सभी भाई बहन जितने सदगुरु कबीर साधना केंद्र में बैठे हुए हैं, सभी लोग इतना ही संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने अपने कर्मों का सुधार करेंगे। चूंकि कर्म में पांच प्रकार के दोष, सबसे पहले झूठ बोलना, जिसके लिए गोस्वामी तुलसी ने कहा कि नहीं असत्य संपातक पुंजा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और मनीषी ने कहा नानता पाप का महत्व, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। कहने में बड़ा आसान लगता है, सरल लगता है, ये मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होना बड़े धैर्य की बात है, हिम्मत की बात है। बड़े बड़े धैर्यवान लोगों के पैर हिल जाते हैं मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होने में। कर्म में दोष झूठ बोलना, सारे लोग संकल्प करें, जो देखे हैं सुने हैं समझे हैं उतना ही बोलेंगे, कल्पना करके न बोलें, सुनी सुनाई बातों को समझे नहीं हैं उसका प्रतिपादन नहीं करें। जो नहीं देखे सुने हैं उसी बातों को प्रचारित न करें। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहा था कि न्यायालय में झूठी गवाही देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। न्यायालय में जो झूठी गवाही देता है, सबसे पहले तो अपने आप को धोखा देता है, उसका भीतर नकारता है, उसको धिक्कारता है कि घटना को तुमने देखा नहीं। मजेदार बात तो ये है, अगर घटना घटती भी नहीं है मुकदमा तैयार हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा झूठे तैयार कर लेता है, भाई भाई के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार कर लेता है, कुछ प्रलोभन दिया उस झूठी बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य भी तैयार हो जाता है झूठी गवाही देने के लिए। कन्फ्यूशियस ने कहा झूठी गवाही देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। एक तो अपने को धोखा दे रहा है, उसका भीतर उसको धिक्कारता है कि घटना तुमने देखी नहीं और घटना कभी कहीं घटी भी नहीं है, मुकदमा ही मनगढ़ंत है, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, न्यायालय न्यायाधीश को धोखा दे रहे हो, अधिवक्ताओं को धोखा दे रहे हो, इस सारे लोगों को धोखा देकर
अपने निर्दोष पड़ोसी को, अपने निर्दोष भाई को सजा के तख्ता पर बैठा दिया, खड़ा कर दिया। इससे बड़ा पाप धरती पर और क्या होगा। सदगुरु कबीर ने तो कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो मन वचन कर्म से सत्य परायण हो जाता है वो स्वयं आपे आप है। सत्य को ब्रह्म कहा गया, सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है। जो मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, उसके हृदय में स्वयं ब्रह्म बैठा हुआ है। सभी भाई बहन दृढ़ता के साथ संकल्प लें कि मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा,